हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे फोर स्टेप इजी फेशियल बनाना का। सो सबसे पहले हमें एक बनाना लेना है, उसको कट करके मिक्सर में डाल के हल्का सा दूध डाल के एक पतला सा पेस्ट बना लेना है। कुछ इस प्रकार की कंसिस्टेंसी रहेगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें अपना सबसे पहले फर्स्ट में अपना फेस वॉश करना है। सेकेंड हम करेंगे स्क्रब, जिसके लिए हमें चाहिए चावल का आटा। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप मिक्सर ग्राइंडर में डाल के उसको पीस सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटो, सॉरी बनाना का पल्प। इसको अच्छे से करना है मिक्स, एंड इसको हल्के हल्के हाथों से अपने पूरे फेस पर स्क्रब करेंगे। एंड अगर आप चाहें तो नहाते टाइम इसको अपनी बॉडी पर भी स्क्रब कर सकते हैं। इस चावल का आटा हमारे फेस को, बॉडी को एक्सफोलिएट करता है। ये हमारे चेहरे के लिए, बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और बनाना को तो आप जानती हैं, चावल का आटा आजकल बहुत वायरल है कोरियन की तरफ से। तो सेकंड हम करेंगे स्क्रब, उसके बाद हम करेंगे अपना फेस वॉश। एंड आप फेस स्क्रब से ही आप देख सकते हैं निखार। उसके बाद थर्ड में हम करेंगे मसाज, इसके लिए हम बनाएंगे मसाज क्रीम। तो हम लेंगे बनाना पेस्ट एंड हम लेंगे एलोवेरा जेल। इसको करना है अच्छे से मिक्स, एंड फिर हमारी ये अच्छी सी क्रीम, मसाज क्रीम बन के रेडी हो गई है। इसको अच्छे अपने से अच्छे से पूरे फेस पे लगाना है, और जैसे हम मसाज करते हैं ना वैसे ही हमें नॉर्मल मसाज करना है अच्छे से। कम से कम चार से पाँच मिनट तक हमें इसको अपने फेस पे मसाज करना है। देन इसको हल्के पानी से वॉश कर लेना है, ठंडे पानी से। अब हम करेंगे इसका फाइनल एंड लास्ट स्टेप मास्क। इसके लिए हमें चाहिए बेसन। हम लेंगे यहाँ अपने फेस के अकॉर्डिंग बेसन 2 टेबल स्पून, एंड इसमें हम डालेंगे बनाना पल्प। इसको अच्छे से करना है मिक्स, एंड इसको अपने पूरी बॉडी पे, नेक पे एंड फेस पे, कहीं पूरे बॉडी पे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको सिर्फ अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। इसको अच्छे से एक थिक लेयर, एक अच्छा मोटा पेस्ट अपने चेहरे पे लगाना है। एंड इसको 10 से 15 मिनट तक अपने फेस पे रखिए। उसके बाद इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए, एंड आप देखेंगे सीधा रिजल्ट। आप खुद देखिए कि कितना अच्छा रिजल्ट दिया है। नो फिल्टर, नो लाइट्स, कुछ नहीं है फिर भी। ओके, बाय बाय।